शुरू। आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। बच्चे की चाहत में कातिल बन गई महिला, तांत्रिक के चक्कर में आकर चढ़ा दी 3 साल के बच्चे की बलि। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। आजकल के जमाने में जहां पर रॉकेट चला रही है महिला और आगे बढ़ रहे हैं काफी ज्यादा बच्चे और मेंटालिटी काफी ज्यादा हाई और आसमान छू रही है, वहां पर कुछ लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं और उस दौरान ही पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो चलिए ऐसे ही मामले के बारे में आप लोगों को बताते हैं जो कि अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली से ये पूरा मामला आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है एक नीलम नाम की महिला जो कि 25 साल की है, उसकी शादी को हुए 7 साल हो गए हैं, पर उस दौरान ही उसका एक्चुअली में एक भी बच्चा नहीं हुआ है। उसको काफी ज्यादा ताने पड़ते रहते थे अपने परिवार से और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द एक बच्चा हो जाए। इस दौरान ही उसने सोचा भी था कि आखिरकार वो अडॉप्ट कर लेगी बच्चे को, पर उसको अडॉप्शन नहीं मिली, जिसके कारण वो काफी ज्यादा और भी स्ट्रेस में रहने लग गई। वो एक दिन अपने गाँव गई और वहां पर गाँव में जाने के बाद एक तांत्रिक से मिली। तांत्रिक ने बोला कि अगर आपको ये बच्चा चाहिए तो एक और बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण पहले नीलम नहीं मानी और उसके बाद बच्चे की चाहत इतनी ज्यादा थी कि उसने वो सब चीजें भी मान ली। अपने घर पे तंत्र मंत्र करती रहती थी और अपने घर के बाहर दिल्ली में ही उसने एक्चुअली में एक बच्चे के ऊपर नजर रख दी जो कि पड़ोस में ही रहता था, और उस पड़ोस में रहने वाले बच्चे को उसने एक दिन धर दबोचा और अपने घर पे ले आई, और घर पे लेके आने के बाद उसको एक्चुअली में गला घोट के बोरी में भर के दूसरे पड़ोसी के छत पे फेंक दिया। कुछ टाइम के बाद जब एक्चुअली में वो बच्चा नहीं मिला, तब उसके माँ बाप ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तब वहां पर हर जगह पर छानबीन कर रही थी, हर छत पे छानबीन कर रही थी। एक छत पे एक बोरी पड़ी हुई थी जो कि काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रही थी। जब उस बोरी को खोल के देखा तब उसके अंदर उसी 3 साल के बच्चे की लाश पड़ी हुई थी जो कि एक्चुअली में किसी ने मार के फेंका था। इसके बारे में सनसनी काफी ज्यादा फैल गई मोहल्ले में, लोग काफी ज्यादा डर गए कि आखिरकार बच्चों को कौन मार रहा है। इस दौरान ही पुलिस जो है वो छानबीन करने लग गई। छानबीन से ये पता चला कि ये जो बच्चा है वो नीलम के साथ आखिरी टाइम देखा गया, और नीलम के घर पे जब छापा मारा गया तब वहां पर तंत्र मंत्र का काफी ज्यादा सामान मिला, और वहां पर नीलम जो है वो ना नुकर करने लगी और उसने बोला कि हाँ मेरे साथ तो था पहले, पर उसके बाद वो चला गया था। उसने काफी ज्यादा झूठ बोला, पर झूठ बोलने के साथ ही जब उसके बारे में पता चला और भी ज्यादा छानबीन की तो लोगों ने बताया कि वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी बच्चे के लिए और वो कुछ भी कर सकती थी क्योंकि उसकी गोद नहीं भरी थी। इस दौरान ही नीलम से जब सख्ताई से पूछा गया तब नीलम ने हर एक बात जो है वो पुलिस को बता दी, और ये भी बताया कि किसी तांत्रिक ने उसको बताया था कि अगर बलि चढ़ाएगी तब उसकी गोद भर जाएगी। इसके चक्कर में उसने तांत्रिक के चक्कर में आके एक मासूम बच्चे की जान ले ली अपना बच्चा पाने के लिए। क्या ये सब चीजें सही है? मुझे तो नहीं लगता है। आजकल के पढ़े लिखे लोग भी कभी कभार अंधविश्वास में पड़े होते हैं। तो गाइस अंधविश्वास कुछ ना आप पढ़े, अपना जो सोच समझ है उसी से चले तो ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।